आगाज एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जिसमें 8 नाम हैं। कुल 9 उम्मीदवारों का ऐलान करना था कांग्रेस को, लेकिन एक सीट पर अभी भी ऐलान नहीं हुआ है, बाकी 8 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को ही उम्मीदवार बनाया गया है, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और सिरसा से कुमारी सैलजा को टिकट दी गई है, जिस तरह की अटकलेबाजी थी और रोहतक और सिरसा को लेकर के वैसा ही, लेकिन हिसार में बड़ा फेरबदल। यहां पर जयप्रकाश को टिकट मिला है, हिसार से जेपी को टिकट दिया गया है, बृजेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है, अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। पहले से ही चर्चाएं चल रही थी अंबाला पर भी वरुण चौधरी की। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट मिला है, श्रुति चौधरी का टिकट यहां से कट गया है। तो ये कुछ बदलाव इस लिस्ट में, और कई चौंकाने वाले नाम हैं। करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ये लिस्ट जारी की गई और 8 नाम, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं, लेकिन गुरुग्राम एक ऐसी जगह जहां पर अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, ये लिस्ट अब सामने आ गई है जिस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा, साफ हो गया है। कई ऐसे चेहरे जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, जिनकी दावेदारी, पहली दावेदारी जिसे कहा जा सकता है, वो थी, लेकिन उनके टिकट कट गए हैं। कई चौंकाने वाले नाम हैं, जैसे कि हिसार से जेपी हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह है, करनाल से बुद्धि राजा है। तो कई इसमें बड़े फेरबदल है, किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को, और गुरुग्राम के लिए उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया गया। निश्चित रूप से हितेंद्र, जिस प्रकार की चर्चाएं थी उसके हिसाब से जो है कुछ लिस्ट में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ के मामले में हरियाणा न्यूज ने लगातार दर्शकों को बताया था कि इस बार जो है श्रुति चौधरी का टिकट कटेगा और रावदान सिंह को मिलेगा। जिस प्रकार का ट्वीट भी देखिए श्रुति चौधरी ने किया था, उसके लिखा था उन्होंने इसके डी अक्षर जो है उसकी हारते है। बाद में उन्होंने वो ट्वीट अपना जो था सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बात रखी थी, वो नाराजगी थी, सांकेतिक नाराजगी, उन्होंने दूर करने का, उसको उठाने का, डिलीट करने का काम किया। लेकिन वो तय हो गया था उससे पहले ही कि इस बार जो है श्रुति चौधरी का टिकट कट गया है। और दूसरे झटका जो अगर कांग्रेस लिस्ट के हिसाब से देखें तो वो वीरेंद्र सिंह को लगा है। बृजेंद्र सिंह अभी सांसद थे भाजपा के और वे कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उनके बाद उनके पिता भी वीरेंद्र सिंह जी और माता प्रियंका जी पूर्व विधायक है, वे भी आई थी, शामिल हो गई थी कांग्रेस में, लेकिन उनका भी टिकट कट गया। तो ऐसे में देखिए एक बड़ा झटका उन दोनों को लगा। और करनाल से उम्मीद थी कि एक बड़े कद के किसी नेता को उतारा जाएगा, चर्चाएं थी लंबे समय से, क्योंकि मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उम्मीदें थी। लेकिन वहां से हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारा गया है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और देखिए उन्होंने एक युवा नेता के रूप में अपनी जो है वो राजनीति मजबूती से की है। लेकिन करनाल में इस प्रकार का उनका नाम ज्यादा चर्चा में नहीं था, हालांकि पहले शुरुआती दौर में नाम आया था। और दूसरे विभाग जो सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और वहां से भी चुनाव लड़ते रहे हैं, मेयर रहे हैं, और हुड्डा ग्रुप का जो प्रभाव जो है वो तमाम उम्मीदवारों पर देखने को मिल रहा है कि जो टिकट वितरण के मामले में, और हिसार में देखिए जयप्रकाश को टिकट मिला है। हालांकि ऐसी चर्चाएं थी कि बृजेंद्र सिंह को मिलेगा, लेकिन उनका टिकट कट गया और जयप्रकाश को, और पहले ही आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और भव्य विश्नोई के मुकाबले में, हालांकि वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पहले भी सांसद रहे हैं हिसार जी जयप्रकाश, और लंबी उनकी एक राजनीतिक उनका अनुभव है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए इस पूरी लिस्ट की, लिस्ट में जो जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, कितने मजबूत ये उम्मीदवार हैं, अगर खासतौर पर बात करें सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल की, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं, या कहां कहां पर स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है? अमित, देखिए हितेंद्र, आते आते काफी देर लगा दी जनाब, अगर बात कही जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि देखिए सिरसा में कुमारी शैलजा के नाम का जिक्र चल रहा था, उन्हें टिकट मिल गया है, और अगर मजबूती की बात जैसे आपने की है तो एक तरह से कुमारी शैलजा पहले से भी प्रतिनिधित्व करती रही है सिरसा का और अम्बाला से, और अब उन्हें फिर से मौका मिला है। ऐसे में मजबूत हूँ तो देखिए कुमारी शैलजा की इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे दिपेंद्र हुड्डा का
यह संगठन हम किस केंद्र होता राज्यसभा सीट पूरी बनेगी हमने सीट के हैं तो ऐसी सीटें थी तो इस हिसाब से उनका नाम भी मजबूती के सीटों की देखते उन्होंने सीट उन्होंने भी रोकी है ये भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रोहतक से लड़ाई हुई है और उनके दादाजी तो ऐसे में महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी उम्मीदवार करते हैं तो वे अपने अपने हिसाब से मजबूत साबित होते हैं। लेकिन अगर इस दृष्टि से बात करें कि काफी लंबा इंतजार के बाद लिस्ट आई है और काफी चर्चा थी, अब गुरुग्राम में देखने वाली बात है, गुरुग्राम में राज बब्बर का नाम भी चल रहा है और साथ साथ कैप्टन अजय यादव का भी चल रहा है, तो इसी पेज में सीट फंसी हुई है कि क्या रहेगा, कैसे देखने वाली बात है। और दूसरी बात अगर बात करें दूसरे उम्मीदवारों की, तो देखिए सोनीपत में भी मोहनलाल बड़ौली के मुकाबले में सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा गया है, करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारा गया है। हालांकि नाम संवाता सहित जो कुलदीप शर्मा या उनके बेटे चाणक्य पंडित का नाम भी चल रहा था, और फरीदाबाद की बात करें तो पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप पर विश्वास जो है वो यहाँ कांग्रेस ने दिखाया है, जबकि नाम जो करण दलाल का भी चल रहा था, नाम कई चल रहे थे लेकिन महेंद्र प्रताप का जो राजनीतिक तौर पर उनकी स्वच्छ राजनीति है और एक कद्दावर हुए नेता है, तो मजबूती के लिहाज से सभी उम्मीदवार जो चुनाव में मैदान होते हैं अब किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे, चुनाव प्रचार को बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए लिस्ट काफी देरी से आई है जितेंद्र, तो सभी को ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काफी देरी से आई है हमें, तो आप बने रहिए मेरे साथ। इसी बीच ज्योति सांगवान हमारे न्यूज एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अधिक बातचीत उनसे भी करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। ज्योति किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से अमित कह रहे थे कि आने में देर काफी हो गई है, लिस्ट काफी देरी से आई है, लेकिन लिस्ट जो आई है, जो चेहरे इस लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं, वो कितने प्रभावी साबित होंगे, कितनी कड़ी टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे और कौन कौन सी सीट ऐसी लग रही है आपको जहां से इतना दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है कि कुछ भी हो सकता है? देखिए छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होना है, आज दूसरे चरण का चुनाव है, आज जब हम बात कर रहे हैं ये जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं हितेंद्र, ठीक एक महीना हरियाणा की वोटिंग के लिए बचा के कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि हमने कोई देरी नहीं की है, अभी हरियाणा में चुनाव होने में समय है। हालांकि बीजेपी कहीं ना कहीं करीब डेढ़ महीने पहले लिस्ट जारी कर चुकी है, तो बीजेपी के मुकाबले जरूर कांग्रेस ने देरी से लिस्ट जारी की है। हम बात करें लिस्ट को लेकर, तो पिछली बार जो पैटर्न हमने देखा कि दिग्गजों को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार जो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के लोग हैं उनके करीबी माने जाते हैं, या सकते हैं कि बिल्कुल फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को दे दिया गया है केवल कुमारी सैलजा, हालांकि उनका पहले से ही क्लियर था, मजबूत उम्मीदवार भी हैं और बड़ी नेता भी हैं। कुमारी सैलजा के अलावा लगभग सभी नेता आप कह सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के हैं। अंबाला से हम चलते हैं, आरक्षित सीट है, वरुण चौधरी विधायक है मुलाना से, फूलचंद मुलाना के बेटे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के माने जाते हैं और कुमारी सैलजा का साथ भी इन्हें मिला है, तो ये कहीं ना कहीं बंतु कटारिया के मुकाबले हम कहें एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर दोनों में देखा जा सकता है। सिरसा की बात करें, ये भी आरक्षित सीट है, अशोक तंवर को बीजेपी ने ताराक है, पहले भी सांसद रहे हैं एक बार, लेकिन विरोध का सामना भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, बीजेपी में कुछ दिन पहले ही आए थे, उससे पहले आम आदमी पार्टी में थे, टीएमसी में भी रहे, अपना फ्रंट भी बनाया, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं विरोध का सामना हालांकि कई उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है, केवल अशोक तंवर को नहीं, तो सैलजा एक मजबूत उम्मीदवार हो सकती है। अब देखना यह है कि दूसरे जो नेता हैं, खासतौर पर हम भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो उनका कितना साथ समर्थन उन्हें मिल पाता है कैंपेनिंग के दौरान। हिसार की बात करते हैं, हिसार में अभी तक चौटालास ही हमें लगातार नजर आ रहे थे, रणजीत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सुनैना चौटाला इनेलो से हैं, नैना चौटाला जेजेपी से हैं, तो चौटालाओं के सामने अब आ गए हैं जयप्रकाश जेपी, पहले भी सांसद रहे हिसार से, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, रिसेंट हम बात करें आदमपुर से बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा है, ये भी हुड्डा के करीबी हैं, तो ये भी एक अच्छी फाइट तो कम से कम दे सकते हैं। तो जेपी हिसार से हो गए, करनाल से आए दिव्यांशु बुद्धि राजा, ये एनएसयूआई के कांग्रेस के यूथ विंग की हम बात करें तो ये इसमें लगातार एक्टिव रहे हैं, स्टूडेंट विंग में लगातार एक्टिव रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, तो इन्हें टिकट दिया है, पंजाबी समुदाय से आते हैं, युवा नेता हैं। इससे पहले कुलदीप शर्मा ने चुनाव लड़ा था, हालांकि बहुत अच्छा चुनाव हम नहीं कहेंगे क्योंकि संजय भाटिया बहुत अच्छे मार्जिन से, देश भर के दूसरे नंबर का मार्जिन उनका रहा था जीत का। बुद्धि राजा कितनी कड़ी फाइट दे पाते हैं, चूंकि सामने हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बड़े नेता हैं, करीब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उनसे मुकाबला होने जा रहा है बुद्धि राजा का।
सोनी पर आते हैं हितेंद्र। सतपाल ब्रह्मचारी ये जींद से, जींद के सफीदों से आए हैं, आते हैं और उत्तराखंड की राजनीति ये करते रहे हैं। ये भी हम जो बार बार रिपीट करते हैं, हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, यहाँ भी उनकी चली है। ब्राह्मण समुदाय से हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं और सामने आप जानते हैं कांग्रेस के सामने बीजेपी से भी जो मोहनलाल बड़ूली हैं वो भी इस समुदाय से आते हैं, तो ये भी एक अच्छी फाइट दे सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि जाट समुदाय, किसान उनके साथ हैं, जाट समुदाय उनके साथ है और ब्राह्मण उतार दिया है, प्लस ये जींद से आते हैं, तो सोनीपत में तो कहीं ना कहीं हुड्डा खुद को मजबूत मानते हैं, जींद वालों का भी, क्योंकि जींद भी इसी लोकसभा क्षेत्र में है, उनका साथ मिलने की उम्मीद है, तो ये भी एक अच्छी फाइट दे सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं, ये भी एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। रोहतक दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये एक मात्र सीट थी पिछली बार जहां मार्जिन बहुत कम था, जो बहुत करीब से कांग्रेस हारी थी और चर्चाएं ये थी, हालांकि हम बार बार ये बता रहे थे कि दीपेंद्र ही लड़ने वाले हैं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं थी कि हो सकता है कांग्रेस राज्यसभा सीट बचाने का प्रयास करे दीपेंद्र ना सही उनके परिवार से। भूपेंद्र हालांकि पहले ही मना कर रहे थे, एक फेक लिस्ट वायरल हुई थी जिसमें आशा हुड्डा का नाम था, तो लोगों के जहन में यह सवाल था क्या दीपेंद्र लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो दीपेंद्र ही लड़ रहे हैं। हम बात करें जब भूपेंद्र हुड्डा पहली बार मुख्यमंत्री बने तो ये सीट जब खाली हुई तो यहां से दीपेंद्र हुड्डा ने पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद 2009 में भी जीते, बड़ी जीत देशभर की रही उनकी, 2014 में मोदी लहर में भी जीते, 2019 में बहुत कम मार्जिन से हारे, अब दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में है और वो भी बहुत कड़ी टक्कर। अब बीजेपी के लिए अगर सबसे टफ सीट की हम बात करें, क्योंकि कोई भी बात हम करते हैं उसका एक ग्राउंड रहता है, तो पिछली बार का जो मार्जिन रहा बहुत कम था, तो बीजेपी के लिए अरविंद शर्मा के लिए ये सबसे टफ सीट रोहतक ही इस बार रह सकती है, क्योंकि दीपेंद्र खुद मैदान में है। भिवानी महेंद्रगढ़ में एक बहुत बड़ा खेल आप कहेंगे इसे, चूंकि राव दान सिंह आ गए हैं, श्रुति चौधरी लगातार दो बार से हार रही थी, 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट बनी, पहली बार में श्रुति जीती लेकिन उसके बाद लगातार दो बार धर्मवीर जीत रहे थे, तो ये चर्चाएं थी कि टिकट कट सकता है। अब से दो दिन पहले की हम बात करें तो श्रुति की ओर से एक सोशल मीडिया पर जो कीबोर्ड ट्रेंड चल रहा है, एस और एफ के बीच जो आता है उसकी हार होने वाली है डी की, तब भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि श्रुति को कहीं ना कहीं भनक हो गई है कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, तो एक तीर से दो निशाने वो साध रही है, डी फोर धर्मवीर भी है, डी फोर दान सिंह भी है, हालांकि क्लियर कर दिया गया कोई उनको रहा होगा कि अगर टिकट मिल जाती है तो क्या, D4 धर्मवीर, फिर उसके बाद दोनों ही पोस्ट डिलीट कर दिए गए थे। तो देखिए कितनी चली है भूपेंद्र हुड्डा की, कि बंसीलाल की पोती हैं, सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं, किरण की बेटी हैं श्रुति, उनका भी उनके गढ़ में टिकट कट जाना, क्योंकि किरण बार बार जब रैलियां निकाल रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तो तीन जिलों को लेकर कहती रही कि हमें फ्री हैंड दे दिया जाए, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ मिला नहीं है, यहाँ टिकट कट गया श्रुति का। फरीदाबाद पे आते महेंद्र प्रताप, बड़े नेता हैं, 9 बार चुनाव लड़ा, 6 बार जीते हैं ये, और ये कहीं ना कहीं गुजर समुदाय से हैं, कृष्णपाल गुजर के सामने ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं, पिछली बड़ी जीत रही थी गुजर की, लेकिन इस बार महेंद्र प्रताप के तौर पर एक मजबूत नेता को, हालांकि इनके बेटे भी एक्टिव हैं, लेकिन इनको टिकट दिया जाना बेटे के मुकाबले कहीं ज्यादा, पिछली बार हमने देखा अवतार भड़ाना लेकिन बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाए थे, कृष्णपाल गुजर एक अच्छे मार्जिन से हारे थे, देश की जीते थे, देश की जो तीन बड़ी जीत थी उसमें फरीदाबाद की जीत भी बीजेपी की शामिल थी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार राहें उतनी आसान नहीं लगती, जीत और हार का फैसला हालांकि 4 जून को होना है, वोटर्स को डिसाइड करना है, लेकिन एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं महेंद्र प्रताप हितेंद्र। हाँ बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से आपने बताया और सूची आने से पहले लगातार इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी कि कुछ नेता नाराज हो सकते हैं, कुछ की टिकट कट सकते हैं, इस तरह की तमाम बातें चल रही थी, बात इस बात को लेकर के भी कि गुटों में जिस तरह से कांग्रेस बटी हुई दिखाई देती है, एक तरफ एसआर के गुट है, एक तरफ हुड्डा गुट है, तो किसकी इसमें ज्यादा चलेगी, ये तो कहीं ना कहीं साफ होते हुए दिखाई दिया कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही कहीं ना कहीं समर्थक ज्यादातर चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन अब इन लोगों का क्या होगा, इन नेताओं का क्या होगा जो अपने अपने गढ़ में कुंडली मार करके बैठे हुए थे और अपने एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते थे, चाहे वो किरण चौधरी की बात हो या फिर बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह की बात हो, वो तो अभी बीजेपी छोड़ करके आए थे, उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर पार्टी में इस बार कांग्रेस की तरफ से खड़ी कर दी गई हैं, क्योंकि वो अब ना बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के रहे, और अगर बात रणदीप सुरजेवाला की करें तो उनके भी शायद किसी समर्थक को टिकट नहीं मिली है। बिल्कुल, उनके समर्थक को भी टिकट नहीं मिला है, एसआर के ने एक तिकड़ी बनाने का प्रयास किया, हाईकमान पर दबाव बनाने का प्रयास किया, हरियाणा में एक संदेश देने का प्रयास किया कि भूपेंद्र हुड्डा के सामने चूंकि तीनों बड़े नेता हैं, हम एक साथ हैं, तो एक मजबूत विकल्प है, लेकिन हाईकमान को नहीं समझा पाए। शैलजा को टिकट जरूर मिला है लेकिन किरण अपनी बेटी का टिकट भी नहीं बचा पाई है। सुरजेवाला आप जानते पहले ही राज्यसभा में है और जिन बाय इलेक्शन उसके बाद आम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा लड़ने से तो हालांकि वो खुद भी बचते नजर आए ही होंगे, लेकिन अपने किसी करीबी को भी वो टिकट नहीं
नहीं दिलवा पाएंगे। चूंकि कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में है एनडी गठबंधन के तहत, तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा चली है, भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है। और ये एक कद और पद के लिहाज से भी बात करें तो हुड्डा कांग्रेस में बड़े नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं। हालांकि दूसरे नेताओं से खेमेबाजी उनकी लगातार सामने आती रही है, लेकिन हाईकमान ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। ये अब उन पर जिम्मेदारी भी है हितेंद्र जी, क्या वक्त आपने अपनी इच्छा के अनुसार, आपने अपनी पसंद के अनुसार जो विकल्प दिए, जो नाम दिए हाईकमान ने, उन पर भरोसा किया कि, तो कितनी मजबूती से भूपेंद्र हुड्डा मैदान में दिखते हैं, कितनी मजबूती से प्रचार करते हैं और हाईकमान को ये दिखाते हैं कि हाँ उनके साथ चले तो ये फैसला अच्छा था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर होगी, क्योंकि वो इससे पहले कहते रहे कि पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं भूल थी और रोहतक भी हम इसलिए हारे। बार बार उनके करीबी नेता भी कहते रहे कि क्योंकि वो सीएलपी लीडर हैं, उनके ऊपर पूरे ही हरियाणा की जिम्मेदारी है, वो अपने आप को एक लोकसभा सीट तक सीमित नहीं कर सकते, एक परिवार से दोनों नहीं लड़ेंगे। हालांकि पिछली बार ये हुआ था कि पिता पुत्र दोनों ने लड़ा था, एक ही परिवार से दोनों थे और भूपेंद्र हुड्डा के पास पहले भी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसको भूल मान रहे हैं इस वक्त। अब देखना ये कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाता है। बीरेंद्र सिंह का आप जिक्र कर रहे थे, वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन खबरों और अटकलों के बीच बीरेंद्र सिंह अचानक बहुत जल्दी इसलिए कहेंगे, उनका परिवार बाद में आया था तो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, कहीं ना कहीं टिकट कटने की अटकलों के बीच या जेजेपी से जिस तरह की उनकी तलखियां देखी गई, गठबंधन हालांकि 2 से 3 दिन बाद टूट भी गया और उसके बाद लगातार वो जेजेपी के निशाने पर भी रहे, लेकिन टिकट नहीं मिलने की चर्चाएं वहां थी और यहां भी नहीं मिल पाया है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं खेल जरूर हो गया है। खेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो हमने सुना था हितेंद्र, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, जिसमें एक शख्स से बातचीत करते सुनाई दे रहे थे कि सोनीपत में अगर टिकट मिलता है बृजेंद्र सिंह को तो हुड्डा रोल कर देगा, जैसे हरियाणवी में उनकी ओर से कहा गया था, जिसका मतलब कि हुड्डा खेल कर देंगे क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके हैं वहां पर, तो ये बहुत बड़ी बात उनकी ओर से कही गई थी। सोनीपत से तो मिली ही नहीं, लेकिन हिसार से भी नहीं मिल पाई है जहाँ लगातार वो दावेदारी कर रहे थे। ये रोल कहीं ना कहीं हिसार में भी होगी, उनको हिसार की टिकट भी मिली और सोनीपत भी गया आपसे, बिल्कुल ये खेल यहाँ भी हो गया है सोनीपत को लेकर। आप ठीक कह रहे हैं हितेंद्र, वहाँ ये रोल वहाँ की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो हिसार में भी हो गई है। अभी परिवार क्या करता है, क्योंकि अभी अभी तो बीजेपी से आया है, घर वापसी की बात कही गई, पहले बृजेंद्र आए, उसके बाद वीरेंद्र सिंह आए, प्रेमलता आ गई है, तो बार बार कहा गया कि हमने 4 दशकों की राजनीति कांग्रेस के साथ ही की है, हम बीजेपी में भले ही रहे लेकिन हमारी विचारधारा यहां से जुड़ी रही। तो अब अगला कदम क्या, क्योंकि लोकसभा को लेकर बीजेपी तो पहले ही अनाउंस कर चुकी है सीटें वहां मिलती पहले भी नजर नहीं आ रही थी, कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया है, अब कहां जाएंगे बृजेंद्र सिंह, क्योंकि हिसार की ही बात कर लें सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार अनाउंस कर चुकी हैं, तो कोई विकल्प या रास्ता तो नजर नहीं आता। हालांकि राजनीति है, आगे क्या होता है ये देखना होगा। तो अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो बखूबी इन्हें साधने का प्रयास किया गया है हितेंद्र, 2 सीटें आरक्षित हैं ये हम जानते हैं, 2 ओबीसी को दी गई हैं, जिसमें एक यादव है, एक गुज्जर है, एक ब्राह्मण को टिकट दिया गया है, एक पंजाबी को टिकट दिया गया है, 2 जाट समुदाय से आने वाले उम्मीदवार हैं जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और जेपी हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बीजेपी के पैटर्न पर, हालांकि बीजेपी ने 2 ब्राह्मण समुदाय से आने वाले नेताओं को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि केवल 9 सीटें कह रही हूं, केवल नहीं क्योंकि कुरुक्षेत्र उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया, तो 9 में से ये जातिगत समीकरण है। गुरुग्राम में अब कांग्रेस क्या करती है देखना होगा, क्योंकि राजबब्बर का नाम सामने आया, अजय यादव से हमने भी बात की, तो वो अभी से इस बात को लेकर लगातार निशाने पर ले रहे हैं कांग्रेस को कि अगर राजबब्बर को ही उतारना है, किसी फिल्मी सितारे को उतारना है तो रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, ऋतिक रोशन को ले आइए, राजबब्बर का गुरुग्राम से क्या लेना देना है। तो ये एक वजह हो सकती है कि गुरुग्राम को अभी होल्ड किया गया है, गुरुग्राम सीट पर उम्मीदवार नहीं ला पाए हैं, तो इसे लेकर कब तक पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि अहिरवाल समाज से आने वाले, यादव समाज से आने वाले रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से आ गए हैं, तो क्या कैप्टन अजय यादव के चांस कम हुए हैं, क्या राजबब्बर पर ही दांव लगाया जा सकता है, या उनकी जो बयानबाजी दरअसल है और सर्वे के आधार पर भी वो बता रहे थे कि सर्वे में तो राजबब्बर ही यहाँ पर आगे हैं, इस हिसाब से भी वो बात कर रहे थे, सर्वे को लेकर के लोकप्रियता पर उन्होंने निशाना साधा कि फिल्मी सितारे को ला रहे हैं तो किसी और को ले आए। बिल्कुल, लेकिन जो हाँ बिल्कुल, अगर अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बहुत पहले लिस्ट जारी कर दी गई थी तो ये माना जा रहा था कि मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन अब जिनसे मुख्य रूप से मुकाबला है वो भी सामने आ गए हैं, अब दोनों में अगर देखा जाए तो कौन सी सीट पर कौन से दल का हावी होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सी कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ उलटफेर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तो 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी।
बिल्कुल देखिए हितेंद्र, अब पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है, क्योंकि पिछली बार जिन दो दलों में मुकाबला था, बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस ने केवल हिसार के अलावा सभी बाकी सीटों पर दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई थी। और रोहतक में तो बहुत अच्छा मुकाबला भी कांग्रेस की ओर से दिया गया, बहुत अच्छी टक्कर दी गई, बहुत कम मार्जिन से हारे थे दीपेंद्र हुड्डा। तो अब किन सीटों पर हालांकि चुनौती मिलने वाली, बीजेपी को टक्कर मिलने वाली है, ये जैसे जैसे कैंपेनिंग शुरू होगी उसके बाद ज्यादा साफ हो पाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बातें हैं अभी तक सामने आ रही हैं, हिसार में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत टक्कर दे सकती है, सिरसा में भी अशोक तंवर हैं बीजेपी के उम्मीदवार, लगातार करीब एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन शैलजा भी एक बड़ी नेता हैं, वो भी, उनके पिता भी सिरसा की राजनीति करते रहे, अंबाला की राजनीति करते रहे, केंद्र में मंत्री रही हैं, कांग्रेस गांधी परिवार की करीबी मानी जाती हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है अशोक तंवर के लिए। रोहतक की हम बात करें, वो हम पिछले या उससे पहले का जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, क्योंकि रोहतक को तो गढ़ माना ही जाता है भूपेंद्र हुड्डा का, बार बार ये कहा भी जाता है कि वो रोहतक और सोनीपत तक उन्होंने कांग्रेस को सीमित कर दिया है, केवल रोहतक का विकास कराया, तो पिछली बार हमने देखा, उसके बाद विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें ज्यादातर हलकों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। केवल कोसली को लेकर बात कर लें, कोसली में अरविंद शर्मा ने एक बहुत अच्छी लीड ऐसी हासिल की थी जिसको टक्कर नहीं दे पाए थे दीपेंद्र हुड्डा, तो वहां भी इन्होंने होमवर्क बहुत किया, जगदीश यादव के आने से भी कांग्रेस ये दावा कर रही कोसली में मजबूती मिली है। तो रोहतक में भी बहुत अच्छी टक्कर बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलने जा रही है। सतपाल ब्रह्मचारी के आने से पिछली बार जाट समुदाय से दिया गया था कांग्रेस, क्योंकि दावा बार बार ये करती है कहीं ना कहीं कि जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है या भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाने वाला है या हुड्डा जाट नेता है, तो ये मानकर चल कि जाट वोट तो हमें मिलने ही वाला, हालांकि वोटर्स के मूड क्या का मूड क्या है, दिल में क्या है, ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं मान के चल रही है कि ये समुदाय तो कहीं ना कहीं हमारे साथ आने वाला है। ब्राह्मण समुदाय को लेकर आए हैं, पहला दांव ये खेला गया है मोहनलाल बडोली के सामने, दूसरा सोनीपत से लोकल ना होकर ये जींद से आते हैं, ये भी एक दांव खेला गया है कि सोनीपत के वोट भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर मिल जाएंगे, जो कि कांग्रेस इस बात को लेकर दावा आश्वस्त नजर आती है, जींद के वोट भी मिल पाए तो ब्रह्मचारी पर दाव लगाया गया कि ये भी कहीं ना कहीं अच्छा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो ये चार सीटें तो ऐसी हैं जिसमें हिसार से था कि हम बात करें, रोहतक सोनीपत की बात करें, जहां कांग्रेस एक अच्छी टक्कर दे सकती है, यहां कांग्रेस अच्छी टक्कर दे सकती है। इसके अलावा भी मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं, वरुण की हम बात करें, यूथ लीडर हैं, युवा नेता हैं, विधायक हैं वर्तमान में मुलाना से, फुलचंद मुलाना के बेटे हैं, इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि हुड्डा के करीबी तो हैं ही, शैलजा भी इनके खिलाफ नहीं है, अगर यहां भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज इनका साथ समर्थन देते हैं, अच्छे से चुनाव प्रचार किया जाता है, तो ये भी एक अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। फरीदाबाद की इससे पहले हम बात कर रहे थे, फरीदाबाद में भी गुजर नेता हैं और ये भी कई बार चुनाव इन्होंने जीता है, बड़े नेता हैं ये भी, कृष्णपाल गुजर के सामने पिछली बार के मुकाबले बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ की हम बात करते हैं, 2008 में परिसीमन के बाद ये लोकसभा सीट बनी, पहली बार श्रुति जीती, उसके बाद तीन चुनाव चौंकी हुए हैं, दो बार धर्मवीर जीत रहे हैं, दोनों ही जाट समुदाय से हैं। तो अब हिरवाल पर दांव खेला है कांग्रेस ने, यहां भी एक ये कि ये समुदाय हमें वोट करने ही वाला या कर सकता है, इस बात को लेकर आश्वस्त कहीं ना कहीं कांग्रेस है, हिरवाल का वोट भी हमें मिल सकता है। रावदान सिंह इसमें एक बड़ी बात ये है, खुद भिवानी से आते हैं, यादव हैं, तो यादव बेल्ट की जो हलके हैं वहां से इन्हें लीड मिल सकती है। इसमें देखिए किंग मेकर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत साबित हो सकते हैं, वो धर्मवीर को कितना साथ समर्थन देते हैं, कितनी मजबूती से उनके साथ खड़े होते हैं, ये धर्मवीर का चुनाव जीतने या हारने या मजबूती से लड़ने के लिए अपने आप में एक निर्णायक बात साबित होने वाली है भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर। तो कुल मिलाकर दिलचस्प उम्मीदवार उतारे गए हैं, पिछले बार का जो पैटर्न था दिग्गज मैदान में थे, दिग्गज नहीं है, नए नेता है, कुछ युवा नेता भी है, एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा की चली है, एक बड़ा संदेश भी हरियाणा की जनता के साथ साथ हरियाणा कांग्रेस को दे दिया गया है। अब देखना ये मिलकर लड़ते हैं या फिर गुटबाजी बयानबाजी रहती है, अब देखना ये वीरेंद्र सिंह परिवार का क्या रिएक्शन आता है, देखना ये भी है किरण चौधरी या उनकी बेटी का क्या रिएक्शन आता है। तो कुल मिलाकर लिस्ट आ चुकी है, पिक्चर क्लियर हो चुकी है, जो दो प्रमुख दल हैं, बीजेपी करीब 1.5 महीने पहले अपने उम्मीदवार उतार चुकी थी, कांग्रेस चुनाव से ठीक 1 महीने पहले, चूंकि रात करीब 11 बजे कांग्रेस की ओर से लिस्ट रिलीज की गई है, अब किन मुद्दों को लेकर कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी जो दावा बार बार कर रही है हम 11 कमल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालेंगे, एनडीए 400 पार करने जा रही है, उस दावे को कितनी कड़ी टक्कर कांग्रेस दे पाती है हरियाणा में, देखना होगा हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, ये देखना होगा, लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही है, बेहद दिलचस्प बात रहने वाली है इस चुनाव में। आपने भिवानी महेंद्रगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह यहां पर किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें वो तो बीजेपी के सपोर्ट में, अगर क्योंकि धर्मवीर सिंह के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने जाते रहे पहले भी और अभी भी, इस चुनाव में भी अभी तक देखने को मिल चुके हैं क्षेत्र में। लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें, रावदान सिंह एक तरफ तो उनको उम्मीदवार बना दिया गया है, दूसरी तरफ श्रुति चौधरी का टिकट कटा है, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी
चौधरी क्या उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्या उनको वो मजबूती के साथ समर्थन देते हुए नजर आएंगे, या फिर भीतरघात जैसी स्थिति भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर रावदान सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी? देखिए, भीतरघात तो कांग्रेस में बहुत बार हमने देखा है, भीतरघात कांग्रेस के लिए नया नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जिस पार्टी के नेता के खेमे के जो लोग हैं उन्हें टिकट मिलता है केवल वही साथ नजर आते हैं। आदमपुर में हमने क्या देखा, केवल भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदयभान ही कैंपेनिंग कर रहे थे जेपी के लिए। जयप्रकाश की ओर से बाकायदा चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता भी की गई, उदयभान की ओर से भी किरण के ना आने, शैलजा के ना आने को लेकर सवाल उठाए गए, वो केवल एक बाय इलेक्शन था। और यहाँ तो देखिए टिकट ही कट गया चूंकि श्रुति चौधरी का, तो कहीं ना कहीं भीतरघात तो होना ही है, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं होमवर्क किया गया होगा। भूपेंद्र हुड्डा जब अपने खेमे के नेताओं को टिकट दिलवा रहे हैं तो दावा तो उनकी ओर से किया गया होगा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि श्रुति दो बार से लगातार हार भी तो रही थी, अगर उसी के आधार पर हम बात करें वो अच्छा चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। तो रावदान सिंह कहीं ना कहीं उनके मुकाबले बेटर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, बात हाईकमान के सामने साबित की गई होगी भूपेंद्र हुड्डा की ओर से। तो रावदान सिंह जाहिर बड़े नेता हैं, अहिरवाल या यादव समुदाय से आते हैं, पहले से एक्टिव थे, कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी थी कि उन्हें टिकट मिलने जा रहा है, तो एक अच्छी टक्कर धर्मवीर को दे सकते हैं। चूंकि इससे पहले धर्मवीर और श्रुति, यानी दोनों जब से ये सीट बनी है तीनों बार जाट समुदाय से ही आने वाले नेता चुने गए हैं। चूंकि हम भले ही कहें या नेता कहते रहे कि हम जाति नहीं देखते हैं, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं जाति से ही चलती है, तो अहिरवाल समुदाय भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक टीस जरूर होगी। तो इस बार एक जो उम्मीदवार दिए गए हैं रावदान सिंह, अगर उन्हें वोट मिलता है अहिरवाल समुदाय का भी, भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर जाट समुदाय अगर वोट देता है, तो ये कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है। चलिए, फिलहाल अब बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ज्योति। लेकिन कांग्रेस की अब सूची जारी हो चुकी है, पिक्चर क्लियर हो चुकी है, मैदान में अब कितना दिलचस्प मुकाबला रहेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष में, ये देखने वाली बात होगी और चर्चा इस पर लगातार जारी रहेगी। सिरसा से कुमारी सैलजा को टिकट दिया गया है, तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिया गया है, इसके अलावा अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। ये चेहरे तो पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन कई चेहरे ऐसे हैं जो पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं, जिस तरह से बुद्धि राजा को टिकट दिया गया करनाल से, और भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट दिया गया, हिसार से जेपी को टिकट दिया गया है, ये अपने आप में चौंकाने वाले नाम जो हैं वो बताए जा रहे हैं।